माननीय अशोक भारती जी के प्रयासों से जो आज ये धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें आप सब लोग जिन्होंने शिरकत की है उनका आभार और धन्यवाद। आज एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC ST और राइफल्स की तरफ से दिया गया है। कल ये पत्र राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया जी और अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन नंद कुमार साई जी को दिया गया और आज मॉर्निंग में ये संसदीय समिति के जो चेयरमैन हैं उनको किरीट भाई सोलंकी साहब को दिया गया, प्रधानमंत्री जी को दिया गया। मैं इसकी छोटी सी जो इसमें लिखा गया वो मैं बताना चाहता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, आदरणीय महोदय, विषय भारत के मूल निवासी आदिवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के साथ निरंतर ऊना, गुजरात, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भीमा कोरेगा, महाराष्ट्र एवं भारत के जीवन बीमा निगम में किए जा रहे सुनिश्चित अन्याय को रोकने एवं त्वरित कार्रवाई करने के संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति संघों का अखिल भारतीय महासंघ द्वारा समय समय पर आपका ध्यान भारत देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ किए रहे अन्याय के बारे में आकर्ष कराते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निरंतर प्रतिवेदन के माध्यम से समय समय पर निवेदन प्रेषित किए गए, जिनमें दलितों की सामूहिक पिटाई ऊना, गुजरात, रोहित वेमुला आत्महत्या हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, दलितों के साथ मारपीट, आयोजित लूटपाट एवं हत्या सहारनपुर, उत्तर प्रदेश एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यकारी निदेशक कार्मिक श्री शरद श्रीवास्तव द्वारा दलित समाज के लोगों को अपमानित करने के संबंध में दिए गए प्रतिवेदन की प्रतियां हम आपको संलग्न कर रहे हैं। खेद है कि आपके द्वारा हमारे प्रतिवेदनों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की कोई जानकारी हमें आज तक प्रेषित नहीं की गई। परिणाम स्वरूप आज पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अन्याय निरंतर बढ़ते जा रहे हैं तो सरकार द्वारा उनके रोकथाम के प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। नंबर 1, भीमा कोरेगांव सूर्य दिवस के 200 से पूरा होने पर आयोजित किए गए श्रद्धा सुमन कार्यक्रम में भाग लेने आए लाखों अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट, आगजनी और हत्या जैसे अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में। भीमा कोरेगांव सूर्य भूमि का खासकर दलित समाज में विशेष महत्व है और इसी के मद्देनजर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1 जनवरी 1927 को यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए थे, जिसके बाद से इस स्थल का महत्व दलित स्वाभिमान से और भी ज्यादा जुड़ गया है। अभी हाल ही में दिनांक 1/8/2018 को भीमा कोरेगांव सूर्य दिवस के 200 साल पूरा होने के ऐतिहासिक अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे लाखों अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को कोई सुरक्षा व्यवस्था सरकार द्वारा प्रदान न करने की स्थिति में सामान्य जाति के लोगों द्वारा हिंसा की गई तथा लोगों को जान से मार दिया गया तथा उनके वाहनों को आग लगा दी गई। आजाद भारत में ऐसी अराजकता इतिहास में कमी देखने को मिलती है कि सरकार मूर्खदर्शक बनी हुई है। सामान्य जाति के लोग गुजरात के ऊना, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर या महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ सरेआम मारपीट, हत्या, लूटपाट, आगजनी के संघ अपराध कर रहे हैं तथा उनके मन में भारत के संविधान का कोई खौफ नजर नहीं आता। यह भारत राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए एक खतरा बनता दिखाई दे रहा है, जिसकी चिंता आपको भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर आपकी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति मामलों में थोड़ा सा भी संवेदनशील व जिम्मेदार होती तो ऐसी हिंसाओं को न केवल रोका जा सकता था बल्कि इनकी निरंतर पुनरावृत्ति नहीं होती तथा ऊना, गुजरात के बाद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश तथा इसके बाद अभी हाल में 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव की घटनाओं को रोका जा सकता था जो नहीं हो सका। निश्चित रूप से सरकार की विफलता है तो सरकार अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हितों को सुनिश्चित करने की बजाय आए दिन इस समाज के लोगों पर अन्याय करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र दिनांक 1/1/2018 को हिंसा, लूटपाट एवं हत्या के दोषी लोगों को एवं जेल भेज कर सजा दी जानी चाहिए। सरकार को भविष्य में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ इन अन्याय को पुनरावृत्ति रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। नंबर 2, ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन ने दिनांक 25/4/2016 को दलित समस्याओं 5 प्रस्ताव पर कार्य करने के संबंध में दिनांक 25 अप्रैल 2016 को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए, जिनकी प्रतियां प्रधानमंत्री कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 20 जुलाई 2016 को जमा की गई, लेकिन आपके द्वारा कृत कार्रवाई की कोई जानकारी आज तक नहीं दी गई। प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है, कृपया संलग्न संख्या 1 का अवलोकन करें। आपसे निवेदन के उपरोक्त पारित प्रस्तावों पर कृत कार्रवाई से महासंघ को अवगत कराने की कृपा करें। नंबर 3, हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रशासन की प्रताड़ना के कारण दलित नौजवान रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या को मजबूर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में हैदराबाद विश्वविद्यालय में प्रशासन की प्रताड़ना के चलते अनुसूचित जाति जनजाति समाज के होनहार नौजवान युवक रोहित वेमुला द्वारा आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। इस संबंध में हमने दिनांक 20/1/2016 को एक प्रतिवेदन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा कराया, जिसके संबंध में कृत कार्रवाई की कोई जानकारी आज तक महासंघ को नहीं दी गई। प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है, आपसे निवेदन है कि उपरोक्त विषय में हमारे प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई से महासंघ को अवलंब अवगत कराने की कृपा करें। ऊना, गुजरात में अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ
मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में पूना गुजरात में हुए अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ सरेआम जो अन्याय किया गया, अगर सरकार उचित कार्रवाई करके एक सामाजिक तत्व को सही संदेश देने में कामयाब हो जाती तो सामान्य जाति के लोगों के द्वारा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ सरेआम आके लूटपाट एवं हत्या जैसे अन्याय को रोका जा सकता था। इस संबंध में हमारे महासंघ द्वारा दिनांक 3/8/2016 को एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा कराया गया, लेकिन आपके द्वारा कृत कार्रवाई से आज तक हमको अवगत नहीं कराया गया। प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है, कृपया संलग्न संख्या 3 का अवलोकन करें। आपके निवेदन के उपरोक्त विषय में हमारे प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई से महासंघ को अवगत कराने की कृपा करें। नंबर 5, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जमा समाज के लोगों के साथ मारपीट लूटपाट आदि में हत्या करने वाले सामान्य जाति के लोग खिलाफ कार्रवाई करने के एवं निर्दोष अनुसूचित जाति समाज के लोगों को जेल से रिहा करने के संबंध में सहारनपुर उत्तर प्रदेश के मामले में अनुसूचित जाति समाज के साथ सरेआम जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे अन्याय के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्री चंद्रशेखर आजाद जो अनुसूचित जाति समाज से हैं को जमानत पर रिहा करने के आदेश देने के बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा उन पर रासुका लगाकर उन्हें जेल में बंद करके रखा हुआ है। इससे बड़ा अन्याय प्रधानमंत्री जी और क्या हो सकता है कि चंद्रशेखर की रिहाई के लिए पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग आंदोलन करते हैं तो सरकार को इस विषय में तुरंत कार्रवाई करते हुए चंद्रशेखर को अविलंब जेल से रिहा करना चाहिए। इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 6/2017 को प्रधानमंत्री कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु जमा किया गया, लेकिन कृत कार्रवाई द्वारा आज तक अवगत नहीं कराया सके। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त विषय में हमारे प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई से महासंघ को अविलंब अवगत कराने की कृपा करें। लास्ट में है, भारतीय जीवन बीमा निगम केंद्रीय कार्यालय मुंबई में के कार्यकारी निदेशक कार्मिक के पद पर श्री सरस श्रीवास्तव द्वारा अनुसूचित जाति समाज के लोगों को अपमानित करने के अपराध में अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 2015 के तहत मुकदमा दर्ज करने पर कार्रवाई करने के संबंध में उपरोक्त संबंध में लेख है कि श्री सरस श्रीवास्तव कार्यकारी निदेशक कार्मिक जैसे महत्वपूर्ण पद पर भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत है और उसने लिखा है कि ढोल कवास गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी ड्रम से लिटे दलित एनिमल्स एंड वुमेन शुड बी बीटन। उपरोक्त विषय में महासंघ द्वारा दिनांक 27/2017 को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक प्रतिवेदन जमा कराया गया, जिसके माध्यम से आपसे निवेदन किया गया कि इससे समय त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसूचित जाति जनजाति शुद्ध महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा करने हेतु से अधिकारी खिलाफ आप कार्रवाई करें और एट्रोसिटी एक्ट 89 के तहत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसे जेल भेजने का काम करें। खेल है कि 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी इस अधिकारी खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि भारत राष्ट्र के शासन अध्यक्ष होने के नाते आप देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के हितों को न केवल रक्षा करेंगे बल्कि समाज के लोगों के साथ अन्याय करने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई करते हुए भविष्य में अन्यायों की पुनरावृत्ति को रोकने में आप हर संभव कार्रवाई करके देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज में अपनी सरकार के प्रति विश्वास का वातावरण बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आपसे हम आशा करेंगे कि आप अविलंब हमारे प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई से हमें अवगत कराएंगे तथा देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हितों को सुरक्षित करने के हेतु अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके न्याय करने का काम करेंगे। मित्रों, ये प्रतिवेदन आज ही प्रधानमंत्री जी को दिया गया है और इसमें वो सब कॉपी लगाई गई है जो इतिहास में उनको दी गई है। इसमें सहारनपुर, ऊना और अपना रोहित कोमुला उससे पहले जो भी घटना इस सबका विस्तृत विवरण दिया गया है। तो मेरा आज इस मंच के माध्यम से यही कहना है कि ऑलरेडी सरकार के पास सब चीजें, सरकार के पास सारी जानकारी है और आज इस मंच के माध्यम से हम यही निवेदन करेंगे सरकार से, ये आग्रह करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि साहब भारत का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आदमी दिनदहाड़े इस देश के विकास के लिए काम कर रहा है, खेतों में काम करके इस देश को कृषि प्रधान बना रहा है, शहरों में काम करके इस देश में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सड़कें बनाकर देश का शहरी विकास कर रहा है, आपके खेतों में हमारे लोग काम कर रहे हैं, आपके घरों में हमारी बहनें बर्तन मांज के आपका काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ में अन्याय किया जाता है, हमारे हितों के साथ अनदेखी की जाती है तो इससे बड़ा अन्याय और देश की सामाजिक सुरक्षा को खराब करने का इससे बड़ा कोई प्रयास कोई हो नहीं सकता। मैं आज इस मंच के माध्यम से भारत की सरकार से ये मांग करूंगा कि साहब आप अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ न्याय करिए, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, इनके हितों की अनदेखी आप मत करिए, इन्हें सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत करिए साहब। अगर ये सड़कों पर आ गए कि फूल देवी की तरह एक कमजोर 5 फुटी लड़की ने जब 5 फुटी लड़की ने राइफल उठाई तो फूलन देवी को फूलन देवी बन गई साहब। आप इन गरीब लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर मत करिए, इस देश में एक सामाजिक वातावरण पैदा करिए, सबको साथ लेके चलिए, देश के अंदर जो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए और समाज के साथ न्याय करिए। आरक्षण कानून नहीं बना, कुत्ता मर गया कानून है, आरक्षण कानून नहीं बना, कानून बनाइए। पदोन्नति में आरक्षण का आज तक बिल ले जाए, मुसलमानों की महिलाओं के लिए बिल लेकर आ गए, लेकिन आज तक इस देश की 1/4 आबादी के पदोन्नति में आरक्षण का बिल लेकर नहीं आए आप, तो साहब कुछ इस समाज के लिए भी सोचिए जिससे कि आपके साथ इस समाज कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। मैं आज इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करूंगा सरकार से,
किया, सारे देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज देश के विकास के लिए काम कर रहा है, वो सब व्यवस्थाएं करें जिससे कि देश में सामाजिक जो हमारी सहिष्णुता बनी रहे और देश के विकास के लिए हमारे लोग इसी तरीके से काम करते रहे। जय हिंद जय भारत।